द बॉडी वो फिल्म है जिसे सर्दियों में नहीं देखा जाना चाहिए, या शायद खाना खा के नहीं देखा जाना चाहिए, या फिर शायद होश में ही नहीं, क्योंकि बड़ी नींद आती है भाई साहब। मेरे पास एक लिस्ट है जिसमें वो फिल्में हैं जो स्लीपिंग डिसऑर्डर से परेशान लोगों के लिए सबसे आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट है। ये फिल्म उसी लिस्ट में डाल देते हैं। अजय रावल यानी इमरान हाशमी अपनी सुपर रिच बीवी माया यानी शोभिता धुलीपाला के रहम पर जीवन जी रहे एक प्रोफेसर है, और उनकी लाइफ में इमोशन और प्यार वाली सरकार को बाहर से समर्थन दे रही हैं ऋतु यानी वेदिका कुमार। इमरान के बैंक अकाउंट यानी उनकी बीवी की हार्ट अटैक से डेथ हो गई है। माया की लाइफ इतनी लेविश है कि उसकी डेड बॉडी तक को मॉर्ग का दम घोटू माहौल पसंद नहीं आया और उनकी बॉडी निकल के गायब होली। इन्वेस्टिगेशन संभाल रहे हैं SP जयराज रावल, जिन्हें अगर कोई गलती से इंस्पेक्टर बोल दे तो वो भड़क जाते हैं। रावल साहब को लगता है कि माया की बॉडी गायब की गई है ताकि उसका मर्डर छिपाया जा सके, और शक की सुई है अजय पर। उनकी इन्वेस्टिगेशन क्या सीक्रेट्स उगलती है, यही फिल्म की कहानी है। लेकिन दिक्कत यह है कि पूरी इन्वेस्टिगेशन इतने ढीले तरीके से होती है कि फिल्म ऑडियंस का साथ छोड़कर पता नहीं कहां चली जाती है, और जनता हॉल में बैठकर एक नज़र अपने टिकट पर और एक नज़र स्क्रीन पर देखती रहती है। परफॉर्मेंस के मामले में ऋषि कपूर हमेशा की तरह बहुत सही लगे, और उन्होंने दिखाया कि एक्सपीरियंस भी कोई चीज़ होती है, इज्जत से बे। इमरान हाशमी जिन सीन्स में धुन पकड़ते हैं बहुत सही लगते हैं, मगर कहीं कहीं पर लगता है कि बड़ी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन ना नहीं हो पा रहा भाई। शोभिता धुलीपाला वैसे तो अच्छी एक्टर हैं, मगर यहाँ नहीं, यहाँ वो कैरेक्टर से ट्यून नहीं बिठा पाई। बॉलीवुड में डेब्यू कर रही वेदिका कुमार का स्क्रीन प्रेजेंस तो स्ट्रांग है, मगर उनकी परफॉर्मेंस भी बहुत खास नहीं लगी। दृश्यम लिखने वाले जीतू जोसेफ द बॉडी के डायरेक्टर हैं, लेकिन इस बार वो शायद स्क्रीन प्ले नहीं संभाल पाए, और हाल ये हो गया कि 2 घंटे की फिल्म भी ऐसी लग रही थी जैसे कल से बैठ के देख रहा हूँ। कुल मिलाकर द बॉडी में द सोल नहीं है, और बॉडी भी जो है बहुत टूटी फूटी है। मेरी तरफ से ऋषि कपूर, इमरान हाशमी और शोभिता धुलीपाला स्टारर द बॉडी को 1.5 स्टार्स।